सांता क्रूज एयरपोर्ट के करीब एक 22 एकड़ जमीन की नीलामी शुरू होने जा रही है। इसकी सरकारी कीमत 50 करोड़। मेरे 55 करोड़। राष्ट्रीय बिल्डर वालों की बोली 55 करोड़। 60 करोड़। वंदना बिल्डर वालों की बोली 60 करोड़। 65 करोड़। 100 करोड़। आ गया, अब सब सत्यानाश हो गया। आते ही 100 करोड़ की बोली लगाई, अब कौन बोली लगा सकता है? वो जानबूझकर बोली बढ़ा रहा है भैया। बोली रोक दे क्या सर? मेरे रोकने तक बोली लगाओ। 100 करोड़ 1 रुपया। अब कौन बोली लगाएगा? दोनों के बीच तो जंग शुरू। 110 करोड़। उमापति बिल्डर 110 करोड़। 110 करोड़ 1 रुपया। भाई उस जमीन की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। बोली बहुत हो चुकी, अब छोड़ दीजिए। 120 करोड़। इसकी हार बहुत जल्द। 120 करोड़ 1 रुपया। तो पागल जैसे बोली लगाया जा रहा है, पर इस आरके बिल्डर वाले को क्या हो गया? 150 करोड़। उमापति बिल्डर वाले की बोली 150 करोड़। 150 करोड़ 1। 150 करोड़ 2। 150 करोड़ 1 रुपया। और आरके बिल्डर्स वालों की बोली 150 करोड़ 1 रुपया। पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। हमारी वजह से राम किशनवा को 50 करोड़ का नुकसान होगा। हमारा फायदा ना हुआ तो क्या, हमारे दुश्मन का नुकसान। आज हमारा दिल में बहुत खुशी हुआ। हेलो। मैं हूँ मूर्ति। जमीन खरीद लिया ना? अभी सीएम के ऑफिस से मैटर लीक हुआ है। उसी लैंड के बाजू में गवर्नमेंट आईटी पार्क मानने वाले सेक्रेटरी ने पास भी कर दिया है। अब उसकी कीमत 2500 करोड़ हो गई है। सर, सिग्नेचर होने से पहले ही बता दिया था सर। डिलीवरी होने के बाद लड़का या लड़की वार्ड बॉय बता सकता। पेट के अंदर का स्कैन करके बताने वाला डॉक्टर चाहिए मुझे। वो मर जाएगा भाई, एक टेंडर हाथ से गया तो इतना गुस्सा। हमारा गुस्सा आज का नहीं है काशीराम, 20 साल का है। राम किशन ने जो अपमान किया है वो वही तो क्या था हमारा। इस गांव का प्रेसिडेंट होते हुए भी वाटर टैंक का कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने लिए नहीं तुझे दिलाया। रोजी रोटी की खातिर आई हुई लड़की का तूने नाजायज फायदा उठाया। जो उसमें आई के गलती कर दिया, हमरा माफ कर दीजिए। शराब के नशे में कामोली का हाथ पकड़ा, इसलिए राम किशनवा के पैरों पे गिर के माफी की भीख मांगी। उसने माफ नहीं किया। गांव के बीच सबके हाथों से चप्पल से मार के गांव से निकाल दिया। हमरा शरीर पे लागल एक एक घाव के बदला ले हम। इसीलिए हमरा 100 करोड़ का नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन राम किशनवा का 1 रुपया का भी फायदा हुआ तो हमरा के बर्दाश्त न हुई। तेरे जीजा को ये काम सबसे अच्छा आता है। उन्होंने सुन लिया तो तेरा भी नंबर लग जाएगा। नई बिल्डिंग को काले बकरे की बलि देने वाला था, दे दिया। शालू, आ रही हूँ माँ। लगता है प्यार करती है बहन किसी से। इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे नहीं बताई। जब मुझे नहीं बता पा रही तो घर वालों को क्या बताएगी? लगता है ये बात मुझे ही घर वालों को बतानी चाहिए। ओरे मोरी प्यारी बहना, ओरे चिंटू, तू कितना अच्छा भाई है रे। बड़े पापा। क्यों बेटी, तुम्हें पसंद है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरी बात सुनकर कोई भी टेंशन मत लेना। क्या हुआ बेटा? प्यार गुलाब जैसा होता है, छूने से मैला हो जाता है, तोड़ने से चुभता है। प्यार एक कशिश है, एक ही बार पैदा होता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ऐसे पवित्र प्यार को जुदा मत करो। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? कोई प्यार का चक्कर है क्या? मेरा चक्कर नहीं है भैया। तो फिर किसका है? अपनी शालू। ये क्या कह रहा है तू? सच बड़े पापा, शालू एक लड़के से प्यार करती। तुझे उसने बताया क्या? बताने से सबको पता लगता है, जो बिना बताए समझ जाता है भाई असली भाई है। सबूत देखेंगे।
हीरो की तरह दिखता है ना। कार, बंगलो, दौलत, शौहरत, ऐश्वर्य, इन दोनों की शादी करके अपने घर की इज्जत को बचाना ही चाहिए। सब घूर क्यों रहे? देखू नहीं क्या, तेरे गले में माला पहनाकर आरती उतारू? अरे यही तो वो लड़का जिसे हमने शालू के लिए पसंद किया है। बिना कारण तूने सबको टेंशन दे दिया बेटा। कल संक्रांति के लिए गांव जाने वाले हैं ना, वापस आने के बाद अच्छा दिन देखकर शालू की सगाई कर देना चाहता हूँ। सुन लिया ना, कल शाम 4 बजे का ट्रेन है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं, चुपचाप घर में रहना। बात को बिना समझे फोकट में ओवर एक्टिंग कर दिया, थू है तेरी जिंदगी पर। भाई इससे पहले बैलगाड़ी चलाता था क्या? अरे जल्दी चलना, धीरे क्यों चल रहा है? क्या रे, ऑटो में राजकोट लेके जाएगा क्या? अबे चुप्पे, तेरी काली सूरत को मेकअप करते बैठा तब देर हो गई, नहीं तो सबके साथ जाते। चुप रहो चुप रहो, अगर उनके साथ जाते तो हमारा भी इमेज उनके जैसा हो जाता। धीरे से जाएंगे तो थोड़ा लेवल मेंटेन रहेगा। अरे रे रे रे, बड़े पापा के पैसे से खरीदा हुआ है यार। ये भी उन्हीं के पैसे से खरीदा है यार। ये शराब? शराब और कबाब किसी का भी हो यार, अपने जरूरत पे मिलना चाहिए, यही जरूरी है। अरे देखने वालों के लिए वाटर और मेरे लिए क्वार्टर। देख यार, बिना टिकट के तो मैं ट्रेन का सफर कर सकता हूँ, लेकिन बगैर लिकर के मैं सफर नहीं कर सकता। अरे ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी उतर, जल्दी उतरना। ये ले पैसे, शराबी साला जल्दी पैसे देकर चल। हाँ आ रहा हूँ ना। सर सर सर, गोदावरी एक्सप्रेस किस प्लेटफॉर्म में है? चल 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 जल्दी, 2 3 4 1 जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे सांस फूल रही है। I'm sorry. अरे अरे पैर क्यों छू रही हो? सॉरी कहा ना तुमने? वो टिकट के लिए झुकी थी, तू कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तू लड़की को देख के सब कुछ भूल गया है। सॉरी यार, गोदावरी की ट्रेन पकड़नी थी ना, इसलिए टकरा गए। हम भी गोदावरी में जा रहे हैं। देखो ना, हमको और आपको एक ही ट्रेन में चढ़ना है। उतरेंगे भी एक ही जगह। आइए 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अरे नहीं यार, गोदावरी 3rd प्लेटफॉर्म पे आएगी। आपको किस पागल ने बताया? काउंटर पे बताया था। हमें टीसी ने बताया मैडम। मेरी बात तो ठीक है, जाके बैठ जाओ, जब कलकत्ते या कश्मीर में उतरोगे तब मालूम पड़ेगा। अरे सोनू, गाड़ी छूट रही है, जल्दी चल जल्दी जल्दी। अरे चलो चलो, ट्रेन छूट जाएगी। अरे जल्दी जल्दी चलिए। अरे मैडम मैडम चलिए। हाँ मैडम चढ़ जाइए। थैंक्स अ लॉट। आपने धक्का नहीं दिया होता ना तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। मैंने जानबूझकर धक्का नहीं मारा। कोई बात नहीं यार, बड़े शहरों में छोटी गलतियां होती है। अरे अपनी सीट पे हाथी बैठ गया है। अरे मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, एक मिनट। अरे उठिए भाई साहब, उठिए। बाप कमाल समझा, 2 मिनट लेट आया तो सारी जगह घेर ली। नहीं नहीं भैया, मारो सीट है, रिजर्वेशन करे हुए। देख यार। अरे यार बॉम्बे जाना है और गोदावरी में बैठ गया। बॉडी को गोडाउन जैसा बना लिया है और दिमाग से बिल्कुल खाली है। लेट होने पर भी हमने सही ट्रेन पकड़ा है, ऊपर देखते हुए बैठ गया। ओए नहीं भाई, कौन बोला? क्या प्रॉब्लम है रे, ये लोग उठ रहे हैं ना। ए चलो चलो चल। ए टीसी आने से पहले उतर जाना, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। पता नहीं कहां कहां से आ जाते बेवकूफ गवार लोग। चल हट, दिमाग का दही बना दिया। अगर आप नहीं होते तो मैं इनकी तरह दूसरी ट्रेन में बैठ जाती। Actually, मेरे कारण आपका भला हुआ, ये कहना चाहते हैं आप? बेसिकली मेरी हेल्पिंग नेचर है, टू मच, बहुत ज्यादा हो रहा है। तू चुप कर। टिकट टिकट। सुनिए डीसी साहब, ये लोग अनजाने में दूसरी गाड़ी में बैठ गए, छोड़ दीजिए ना, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए है ना। आपका टिकट ये लीजिए। टिकट यार, ये क्या है, गोदावरी की टिकट लेकर मुंबई एक्सप्रेस में जाते हो? अरे लगता है टीटी ने भी गलत ट्रेन पकड़ ली। गलती मेरी नहीं, आपकी है। ये क्या कह रहे हैं सर? ये मुंबई की ट्रेन है मैडम। सर 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 ठीक से देखिए ना सर, ये गोदावरी है, ये किसी ने हमें कहा था सर। कौन है ओटीसी? 998 ये ओटीसी है, देखिए 1000 रिपीट। उसने बताया नौकरी चले जाने से पागल हो गया है, जो भी ट्रेन मिलता है बैठ जाता है। मैंने पहले ही बताया था गोदावरी की ट्रेन 3rd प्लेटफॉर्म पे आने वाली, इन्होंने मुझे धमका के इस ट्रेन पे बिठा दिया। आहा, तू तो बहुत खूबसूरत है, जैसे मैं तुझे भगाने वाला था। तुम लोग बाद में झगड़ा करना, पहले फाइन भरो। फाइन मांग रहे? भरो। मैं नहीं भरूंगी। नहीं भरोगी तो 6 महीने का जेल है। जेल में? मैं तो कभी जेल में गई नहीं। हम तो हमेशा वहीं रहते हैं, कभी कभी बाहर आ जाते हैं। फाइन कितना हुआ सर? 3000। मेरे पास 3000 रुपए है। हाँ सर, हम नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे। 2000 रुपए ले लीजिए ना। लिखा है मैंने नेक्स्ट स्टेशन पे उतरने के लिए, आगे जाना हो तो बताइए, वापस आता हूँ। आप बहुत दयालु हैं सर, आप चले जाइए, हम उतर जाएंगे। अरे वो सांड आ गया। शरीर देख के डर रहा है क्या? हाँ, मुझे टच तो करने थे, मोटे को एक पटके में गिरा दूंगा। अरे बाप रे।
ए, ट्रेन में बैठ के जा रहे इसलिए बच गए, नहीं तो तुम लोगों को जान से मार डालता। उठ जा, उसके बाद में देख लेंगे। स्टेशन में सबको छोड़ के तुमसे टकराना मेरी गलती थी। अरे मुझसे टकरा इसलिए रॉन्ग ट्रेन पकड़ा, तूने कहीं दूसरे से टकराती ना तो तेरा बैंड बच जाता। मुझे कब क्या करना चाहिए मुझे पता है। ब्रूस ली की बहन है क्या? दिखा दो क्या? अरे बाप रे बाप, इसे कराटे दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं थोड़ा टाइमिंग पता करके आता हूँ, तब तक तुम लोग यहीं रहो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। हाँ। इसने मुझे समझ क्या रखा है? मेंटेन करना मुझे भी आता है, तुम्हारी सांसों से मुझे एलर्जी होती है। तजा। थोड़ी देर सांस रोक लो, चली जाएगी। क्या चली जाएगी? जान, छुटकारा मिलेगा मुझे। अरे 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 मुझे कहा? तुझसे कह रही हूँ, तेरे जैसा फालतू लड़का सामने खड़ा है तो मैं तीसरे से क्यों बात करूँ रे, पागल हूँ क्या? हा? अच्छा तुझे तो चढ़ गई है। क्या चढ़ गया बताना, इससे पहले तूने मुझसे क्या कहा था? हा? मुझे मुंबई लेकर जाएगा, बेच डालेगा। आखिर तुझे मेरा नाम पता है क्या? हा? भानुमति फ्रॉम तुर्रम खान, 13 साल की उम्र में सबकी बैंड बजा डाले। ऐसे ही देखा करते थे गांव वाले, सबका खेल खत्म कर दिया। तेरा भी खेल खत्म कर दूंगी यार, तेरे को बेच के ना पायल खरीदूंगी। अब तक शहर की लड़की समझा था, शराब पीते ही हकीकत सामने आ गई। बोतल दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तेरे को पता क्यों? एक कमसी लड़की पानी मांगे दे नहीं रहा है कमीना, 10 तरह की पानी तो मांगा, किसी का दिल थोड़ी मांगा है जो तेरे से इनकार कर रहा है। गांव वालों, स्टेशन वालों और जो इधर नया वाला। रुको 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 रुको, ये लो ये लो ये लो ये लो, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, ये लो पूरी बोतल पी लो। भानुमती मेरा नाम राम तुर्रम। एक पैक मिल जाए तो मूड बन जाए यार। अरे डिस्टेंस ऐसे मेंटेन करते हैं क्या? अरे मुझे क्या 5 मिनट भी नहीं हुआ, तूने इसे पटा भी लिया? बताऊंगा तो तू नीचे गिर जाएगा। मैं नहीं गिरूंगा, अब बता। तेरा शराब पी लिया इसने। अरे बाप रे बाप। हाँ। ये भी पिएगी, पता होता तो मैं हाफ लेके आता। कोई बात नहीं यार, हिचकी लगी थी, पानी समझ के पी लिया इसने। ट्रेन कब आएगा ये बता? यार ट्रेन नहीं मिलेगी, हम गलत जगह उतरे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद बस मिलेगी। इस पार्सल का क्या करूँ यार? कूली की तरह मैं लगेज लेके आता हूँ, गधे की तरह तुम इसे लेके आओ। तो